अस्सलाम वालेकुम सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात तो वाकियात से वाकिफ रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अधिकारी आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे अनिवार्य क्वारंटाइन को समाप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। कुवैत में कोरोना से निपटने के लिए बनी कमेटी के प्रमुख डॉक्टर खालिद अल जरलाह ने खुलासा किया है कि जो कुवैत में आने वाले मुसाफिर जिनको अनिवार्य रूप से 72 घंटे क्वारंटाइन किया जाता है, इसको समाप्त करने के हवाले से जो है वो चर्चा की जा रही है। यानी कि जो कुवैत में मुसाफिर आते हैं जिनको कम से कम 72 घंटे जो है वो क्वारंटाइन होना ही होता है, 72 घंटे के बाद आपका PCR टेस्ट किया जाता है, PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है, तो उसके बाद आपका जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो 72 घंटे अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन है इसको कुवैत के अंदर जो है वो समाप्त कर दिया जाए। जो भी मुसाफिर आए उनका जो है उसी वक्त PCR टेस्ट किया जाए, और PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है तो इस सूरत में उनको उनके रूम पर जाने की परमिशन दे दी जाए, जिसके बाद वो अपने काम धंधे से लग सकते हैं। तो ये एक नया रूल्स जो है वो कुवैत के अंदर बनाने के हवाले से सोच विचार किया जा रहा है। जब भी इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर से बता दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको होते हैं कि कुवैत में जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनका रेजिडेंस रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। तो अभी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आ रही है कि इसका जो हल है वो जल्द से जल्द जो है वो ढूंढा जा रहा है, और इसका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाएगा। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत के अंदर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनका जो रेजिडेंस या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस है, यानी दोनों एक साल की जो फ़ीस है वो 1000 KD से 1100 KD तक होने की उम्मीद है। यानी कि 1000 KD या फिर 1100 KD जो है वो होगी जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उनका रेसिडेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों फ़ीस जो है वो मिलाकर इस तरह की रूल्स जो है वो बनाए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत पिछले 24 घंटे में 4503 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है और 2243 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत पिछले 24 घंटे में 31133 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 41413 है, जबकि जो ICU में केस है उनकी तादाद 26 है। इसके साथ अगर हम इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में पिछले 24 घंटे में 2,71,202 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड पर आए हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।